ਯਾਰ ਹਰ ਹੀਤੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਰਾਡੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਕੋ ਫੇਰ ਆ ਅਜੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਆ 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 ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨੇ ਚਲੋ बरखुरदार आप लोग इतने गुस्से में मस्जिद में मौलाना साहब आप ये सब बातें छोड़े मुझे ये बताएं शफीक किधर है वो शफीक दर्जी जी जी वही वो तो इतकाफ बैठे हुए हैं उसको बाहर भेजे आज नहीं हमने उसको छोड़ना अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हैं वो मस्जिद की हदूद से बाहर नहीं आ सकते तो मौलाना साहब आप तो मस्जिद के अंदर है ना इधर बुला लें उसको अच्छा अच्छा ठंड रखिए मैं उनको बुलाता हूँ ये रहे आपके शफीक साहब वैसे शफीक साहब आप फ्री ने तुहाडे ते साडे कोल एडवांस भी फड़ लिया साडे सूट भी फड़ लेने ते इत्थे इतकाफ ते बैठ गए आके ओ चौधरी साहब हुन तीन ते दुनिया दो भी नाल नाल ही ने हुन की मैं अल्लाह नु भूल जा इबादत भी ना कर बड़ी गल है वैसे मौलाना साहब कोल खलोते ने इन्हां नु पुछो अगू कुरी बात दी कोई माफी नहीं हैगी साडे सूट किने सीने ने ओ ते तुहाडी गल सही है चौधरी साहब हुन मैं इतकाफ ते बैठा इत्थे ते नहीं सी सकदा इदों बाद ही लैणा आराम नाल असीं पूरा इंतजाम करके आए हैं मशीन तेरी दुकान तो चुक के लिया है साहब फड़ इत्थे बैठ के सी मैनूं बड़ी भुख लगी आ मैनूं रोटी पा के दे मजाल नहीं है मेरा बुआ टपके वेखे मेरी लत्ता ना तोड़ दूं तू मेरी भैन ईजी हो गए मैं करनी तेरी मां नूं कॉल यार ताहा तू आज भी पबजी पे लगा हुआ तुझे नहीं पता चांद रात है आज और बॉयज क्या सीन है आज का यार मैं भी इसको यही पूछ रहा हूँ लेकिन ये है कि तब से गेम में घुसा हुआ है ओ भाई छोड़ दे आज तो गेम छोड़ दे तुझे पता है आज मार्केट में हुरें निकली हुई आज तो डे है हमारा जाना पड़ना है भाई ओ भाई जान मैं नहीं जा रहा आपको याद नहीं है लास्ट टाइम क्या हुआ था यार लास्ट टाइम क्या हुआ था भला लगता है तुम लोगों को याद नहीं है लास्ट टाइम क्या हुआ था जरा दिमाग में जोर तो डालो बड़े अच्छे तरीके से याद आ गया तो जानी अब क्या करें अब का क्या सीन है तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों सीन्स कुछ ऐसे हैं जाके स्लीपते हैं ताकि सुबह बा इज्जत बा जमात ईद की नमाज अदा कर सकें पिछली दफा की तरह मुंह ना ना छुपाते फिरे हाँ जानी मारा सोना ही बनता है ऐसा करते हैं चलते हैं चले चले
ओ माय गॉड, ये तो सारे मामियों चाचियों नानियों दादियों वाले कलर्स हैं। मुझे तो कुछ डार्क चाहिए जो मेरी पर्सनैलिटी पर सूट करे। एक्सक्यूज मी, सबर करिए सबर करिए, बात सुनिएगा भाई। यस मैम। ये वाला आर्टिकल और है? नो मैम, दिस इज द लास्ट आर्टिकल। फिर तो ये मैं ही लूंगी। क्या बोला आपने, ये आर्टिकल और आप? लाइक सीरियसली, ये आर्टिकल तो मैं ही लेके जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ ये आर्टिकल आप कैसे लेके जा सकती हैं। इसको पहले मैंने देखा था। क्या मतलब, सिर्फ देखने से ये आर्टिकल आपका हो गया? मेरे साथ तमीज से बात करें, अपनी टोन को नीचे रखें। मेरी भी टोन ऊपर जा सकती है, और ये आर्टिकल मेरा ही है, मैंने देख लिया, मेरा हो गया, ये मैं ही लेकर जाऊंगी। ये जो गुस्सा है ना, ये मुझे ना दिखाओ, ऐसा ना तुम्हारी ईद सारी मैं खराब कर दूं और ये आर्टिकल मुझे पकड़ाओ। क्या बोला तुमने, तुम मेरी ईद खराब करोगी? कभी अपनी शक्ल देखी है? डैन लगती है तुम चुड़ैल कहीं की। क्या तुमने मुझे चुड़ैल बोला? ये आर्टिकल मुझे तो, और दफा जो इधर। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने सुना ना पटा चुके, इधर आओ। मेरे बाल छोड़ो, ये आर्टिकल तो मैं ही लेके जाऊंगी। मैं भी देखती हूं तुम कैसे लेके जाओगी। ये आर्टिकल मेरा, ये छोड़ो, मेरा ही है ये। क्यों, मैं अपने कल लेके जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगा। छोड़ो इसे, छोड़ो 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 इसे। तुम्हें बोला था ना, ये आर्टिकल मैं ही लेके जाऊंगी। और गंजी औरत, अपनी विग पकड़ो। यार भाई जल्दी जल्दी मेरा खाते कर दो। हाँ जी, बैठ के बैठ जाओ। ओके सर, डन। काउंटर पे बिल करवा लें। ये ले सर, बीएड का बिल काट लें। ओके सर। ये ले भाईजान, आपके बाकी पैसे हैं। 2000? भाई बीएड के कितने पैसे हैं? भाईजान वैसे तो बीएड के 500 लगते हैं, लेकिन आपको पता ना, चांद रात है तो हमारी ईदी डाल के 3000 हो गए। यार ये क्या तरीका है, मुझे बताया बगैर ही आपने ईदी काट ली है। तो भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, खुशियाँ बगैर बताए ही बांटनी होती है ना। अब क्या पूरे मोहल्ले में ऐलान करूँ जाके पहले मैं? अच्छा, अभी फाड़े थे अपनी खुशियाँ पूरियाँ काट। हाँ तो भाई अकड़ किस चीज के दिखा रहे हो, और अरसलान तेरी भी ईदी आ गई है। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती। हेलो जैसी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। किधर रह गए थे तुम, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यार आज लॉन पे इतना रश था, क्या बताऊँ, ऐसा लगता है सारे मेरे ही सलोन में आ गए। बड़ी मुश्किल से जान चुरा के आई, आई मीन आया हूँ। ट्रिकल तुम हर दफा भूल जाते हो, वी आर 100% नेचुरल आयुर्वेदिक मर्च। By the way, मुझे एक बात बताओ, तुम ट्विंकल थे, ट्विंकल तुम्हें ट्विंकल स्टार मैंने बनाया, जैसी बी ने। आज तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। हाय अल्लाह जैसी, तुम्हारे भी जो गिले है ना कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तुम्हारी वजह से मैं इतने कस्टमर छोड़ के आया हूँ सलोन में अपने। ट्विंकल लिटरली तुम मेरे लिए आए हो। मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, छोड़ छोड़ के अपने सलोन की मनी, ट्विंकल जैसी बी के पास चले। अच्छा ये छोड़ो, टाइम जाया ना करो, मुझे बताओ आज कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है तुमने? हाइड्राफेशियल, लिप फिलर, आईब्रो कनेक्शन, मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड फुल बॉडी वैक्स। एक्सक्यूज मी, फुल बॉडी वैक्स? वो भी तुम्हारी? तुमने अपनी बॉडी देखी है, पूरी दो कनाल की हवेली लगती है। मुझसे नहीं होगी, मैं आज शुरू करूँ ना जाके बड़ी ईद पे खत्म होनी है। तुम ऐसा करो, इनमें से कोई छोटी मोटी सर्विस ले लो, ये नहीं मुझसे होगा। ओके ट्विंकल, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गई है, तुम्हारा तो बोर्ड ही है मुझे अच्छा बनाने का। खैर जो जो सर्विस दे सकते हो ना वो तो मुझे दो, अब ईद के नमाज का टाइम शुरू करना है। जैसी इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे, कॉम डाउन, चलो फिर लेटर शुरू करें। ट्विंकल पहले सर्विसेज ना ले ले। जैसी तुम भी ना। आउच, मैं सर्विसेज की बात ही कर रहा था। ओके चलो। ये दाग गए, ओ मेरा यार नहीं आया, ओ मेरा यार नहीं आया, दिल आया। ओए बुल्लो मेरी गल सुनो ध्यान नाल, ओ मेल तू सुन मेल, ए तेन फीमेल है ना जेड़ी, इनू किसी ने पुट के लाइया ना, तू कुछ भी नहीं पुट सकता, फिर ए दगाबाजी करेगी तेरे नाल, ए तू कश ला मेरा भरा, कश ला। तेरा भी फ्यूचर है ये पुत्र, ओ मेरा यार ओ जान मामू, बड़ा दूते चढ़ के चमका मार रहे हैं तेरे, मेरे से कोई फर्क नहीं बेटा,
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮੂ ਆ ਤੈਨੇ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਿਗਰਟ ਲਵਾਵਾਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ आपसे ना मैं एक बात करना चाहता हूँ। जिंदगी में प्यार जरूर करना चाहिए ताकि पता चले प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। और यार रात बड़ी हो गई है, मैं भी चला सोन, तुसी भी सोई हो ठीक है जी। सारे नु चान ला बारह को है टाइम ना सो जाने, सवेरे नमाज भी पढ़नी है। मेरा बिस्तरा गिटार नरम रही अम्मी ना वेले मैं सिगरट पीना। वाह जी वाह लगता मामा ने तो अल तो नरम नरम तकिए कटे ने और जो मौका होगा सोन का। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਈ ਤਾਂ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵੇ ਇੱਕੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਭੈਣ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇ ਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਰਹਿਣੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਆਇਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਆਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਫੁੱਫੋ ਕੋ ਕਿਉਂ ਈਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੇ ਕੁੱਟਾਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਈਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਪਣੀ ਈਦ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਸੀਂ ਈਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਨੇ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਰਹਿਣੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਸ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਈਦ ਐਂਡ ਜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੰਮਾ, ਅਗਰ ਆਪੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਧਰ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਕੀ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਛਿੜਕ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਾ ਕੇ ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ, ਫੈਨੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੈ 50,000? ਮੰਮਾ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਆ? ਵੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਡੱਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਪੱਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਦੇਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਢਾਈ ਦਿਨ ਗੈਰਤ ਮੈਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਾਮਾ ਰੋਏ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾ ਸੁਭਾਈ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਪ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣੇ, ਆਪ ਬੁਰਖਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਾਗ एक्सक्यूज मी मैम, कितना टाइम है? एक घंटे से वेट कर रही हूँ। मैम जब आपकी बारी आएगी ना बता देंगे आपको। मैम एक घंटा और गुजर गया, एटलीस्ट ये तो बताएं कितना टाइम और लगेगा। मैम मैंने आपको बोला तो है, ये जो आप बैठी हुई है ना, पिछले 4 दिनों से बुकिंग करवा के आई हैं और आप अभी आई हैं और आपको जल्दी पड़ गया, आपने करवाना तो बैठ जाए, अदरवाइज आप चले जाएं। एक्सक्यूज मी, यस मैम, रश तो यहाँ बहुत ज्यादा है, इस दिन एनी चांस कि मेरा काम जल्दी हो जाए? तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, आप ऐसा करें थोड़ा सा ना वेट कर लें बैठ के। बात तो आपकी ठीक है, बट व्हाट इफ मैं आपको हर सर्विस का एक्स्ट्रा पे करूं तो? वेट 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 मैम, आप निधा जावेद है ना? मैम आपकी बुकिंग तो आपने 4 महीने पहले ही करवा ली थी, आप एम इधर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, आप ऐसा करें उनके पास जाएं और अपनी सर्विसेज लें। डार्लिंग थैंक यू। सामा पुत्र बाहर वेखी कौन आया है? बेटा अबू घर पे? जी अंकल। बुलाना जरा। पापा बैठ, समी अंकल बुला रहे हैं। अच्छा मेनू बुला रहे ने, चल मैं आना। चलो शॉपिंग करन चली, शॉपिंग करन चली। उत्थे मेरे ज़हन च ख्याल आया अपने वीर आस्ते भी कुछ लवां, ते ऐ तेरे आस्ते, तेरी बुढ़ी आस्ते ते तेरे बच्चे आस्ते मैं ईद का सूट लिया, सुबह तू सत्तिना ने यही पाना है, फड़ मेरा वीर। समी भाई सही कहंदे ने कि अल्लाह दी जात देन वाली है ते इंसान ही वसीला बनता है, ते तुसी अज मेरे घर वसीला बन के आए हो। अगे मैं यही सोच के परेशान हो रहा सा कि ईद आ गई है ना, मैं अपने आस्ते कोई शै लईए ना, घर वाले आस्ते कोई शै लईए, ते उन्नी देर जे तुसी आ गए हो, तुहाडा मेरे ते बड़ा एहसान है। ओ मेरा वीर भरावां जे एहसान वाली गल कित्थों आ गई, बाकी तू अंदर जाके ना ईद दियां तैयारियां शुरू कर, मैं भी चलना, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।